देखो निहार ने भालू तो ना दिया, तो कल रात हम रुके थे दीदी लोग के यहाँ, रात में मतलब 7 बजे पहुँचे थे हल्द्वानी। तो यह है दीदी का घर मेरा। तो सबको हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स। जब पहाड़ जाने का मौसम होता है तो दिल की एक मतलब अलग टाइप की खुशी रहती है ना। मतलब अपने गांव जब आते हैं, जैसे मतलब उत्तराखंड के प्रवास, तो अलग वाइब्स से यहाँ पर आती है, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक अलग पॉजिटिव एयर जो मतलब हमारे अंदर गुजरती है। शाम सुबह के सूरज उदय हो चुका है, अभी हम लोग चल रहे हैं काडूधाम बाईपास रोड में। हम लोग जाएंगे पहले यहाँ से काडूधाम, बस काडूधाम आने वाला है, करीब आपका 3-4 किलोमीटर और बचा होगा दीदी लोग के घर से। तो वहाँ पर हमको मिलेगा मेरे कजिन, तो वहाँ से वो बैठ जाएगा हमारे साथ। फिर हम लोग दिखाते हैं आपको पूरा काडूधाम से लेके रानीखेत द्वाराहाट तक का रास्ता और वहाँ के विजिटिंग प्लेस कौन कौन से हैं। इससे आपको यही मिल जाएगा कि आप काडूधाम से द्वाराहाट भी पहुँच जाओगे 4-5 घंटे में, और बीच वाले विजिटिंग प्लेस भी आप कर सकते हो, घूम सकते हो, या फिर आप एक रात रुक जाएं कहीं पे बीच में तो आप सारे डेस्टिनेशन आराम से पूरा पूरा देख सकते हैं। तो यह है, देखिए सामने दिखने लग गया पहाड़, कुछ सो गया है, सुबह 4 बजे उठा था तो अभी उसने दूध पिया तो दोबारा सो गया। तो आज वो पहली बार वो जाएगा पहाड़ और पहली बार देखेगा पहाड़ को, जब नींद खुलेगी उसकी। तो हम बीच में एक बहुत फेमस मंदिर जाने वाले हैं, निहारिका ने मन्नत मांगी थी तो उस मंदिर हम जरूर जाएंगे। तो वो मंदिर भी आपको दिखाएंगे कि कौन से मंदिर हम लोग जाने वाले हैं। तो 7 ताल हम लोग काडूधाम में है, 7 ताल 33 किलोमीटर है, भवाली 32 किलोमीटर, भीमताल 22 किलोमीटर, और जो लास्ट रेलवे स्टेशन है और कुमाऊं का द्वार है काडूधाम यहाँ पे है। नकुचा ताल यहाँ से 26 किलोमीटर है, तो और कैची धाम भी आपको करीब पड़ेगा यहाँ से भवाली के 32 किलोमीटर, 7 आपको 40 किलोमीटर के करीब कैची धाम पड़ेगा, और आपको घोड़ाखाल मंदिर पड़ेगा करीब 37 किलोमीटर। तो बहुत सारी डिस्टेंस आप यहाँ पर मतलब एक दिन में पूरी कर सकते हो, क्योंकि सब वो जब आप ऊपर जाओगे तो सभी आसपास आपको 10-12 किलोमीटर के अंदर मिलना है। नैनीताल भी आपको बिल्कुल पास ही मिलना है, नैनीताल का रास्ता थोड़ा सा अलग है, और 7 ताल भवाली भीमताल का और नवीनताल का रास्ता अलग है। तो ये आप जा सकते हैं। अभी हम लोग बैठे हुए हैं तेल भराने के लिए यहाँ पर, तो तेल मेरा हाफ टैंक हो चुका है, इसे फुल टैंक कर लेते हैं क्योंकि पहाड़ में तेल का भरोसा नहीं होता है। तो पहले तेल भराते हैं पेट्रोल पंप पे, फिर अजीत आगे इंतजार कर रहा है आपको रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने। रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ आपको, सबसे साफ रेलवे स्टेशन है इंडिया का वो वाला। 16 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आपका पहला डेस्टिनेशन होगा भीमताल। देखिए किनारे पर भीमताल है, यहाँ बस वाले बहुत तेज चलाते हैं, बस ये पूरा भीमताल है। तो इसके किनारे किनारे बहुत सारे होटल हैं, इस साइड भी, इस दीवार के ऊपर भी है और उस साइड भी है, और वहीं से आपको आपके 5 किलोमीटर दूर नकुचाताल मिलेगा, भीमताल से ही रास्ता जाता है उसका, और यहीं आपको पैराग्लाइडिंग भी मिल जाएगी आराम से, आप यहाँ बोटिंग का लुत्फ ले सकते हैं। और भीमताल सबसे सबसे बड़ा ताल भी है और सबसे पास भी है हल्द्वानी और काडूधाम के, और यहाँ पे क्या आपको होटल बहुत चीप मिलेगा, तो आप मतलब यहाँ रह सकते हैं और पूरा वहीं से पूरा आपका नैनीताल वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये देखिए ऊपर भी यहाँ होटल बने हुए हैं, तो यहाँ से पूरा लेक का नज़ारा बहुत अच्छा आता है, ऐसे पूरा नीचे ताल है करीब, इसी में ही हम लोग को मतलब सोचते कि ताल के किनारे किनारे हम 2-3 किलोमीटर चलेंगे अभी इसमें, और चौड़ाई भी बहुत है। बीच में एक इसका है आपका मत्स्य पालन वाला मतलब एक्वेरियम है, तो आप नाव से वहाँ भी जा सकते हैं, कैकिंग कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, और बाकी नकुचा ताल घूम सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। इतना यहाँ पर घूमने के लिए है, बाकी का बातें करेंगे आगे जाके। तो ये रास्ता जो नीचे को जा रहा है, ये जा रहा है 7 ताल। जैसे ही आप भवाली भीमताल पे से भवाली की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको 7 ताल मिलेगा करीब, जहाँ से 4-5 किलोमीटर नीचे है, बहुत खूबसूरत लेक है, बहुत शांति भी इलाका है, तो आप जा सकते हैं इधर। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं लिंक में अपना ब्लॉग का डाल दूंगा, आप वाला ब्लॉग देखो तो आपको 7 ताल उसमें दिख जाएगा कि वहाँ आप क्या क्या ड्यूटी एक्टिविटीज कर सकते हो। फिलहाल भवाली 2-3 किलोमीटर बचा हुआ है, और मॉर्निंग में ट्रैफिक काफ़ी अच्छा हो गया अभी, ऐसा नहीं है कि हम सोच रहे थे कि मॉर्निंग में जल्दी निकले ट्रैफिक कम रहेगा, लेकिन अभी भी ट्रैफिक है, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल जा रहा है, कहीं पे भी रोड खाली मिल रही है। तो हम लोग पहुंच गए हैं भवाली से 7 किलोमीटर ऊपर घंटी वाले मंदिर में। घंटी वाला मंदिर बोलते हैं घोड़ाखाल गोलजी भगवान का मंदिर। तो निहारिका ने यही माने की मन्नत
आज से 2 साल पहले करीब हमने गाड़ी उधर पार्क की हुई है, यहाँ प्रसाद मिल जाएगा आपको, और कुछ स्टेज चढ़ने के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे गुरुदेवता के मंदिर में। देखिए पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर आपको कहीं न्याय नहीं मिलता है तो आपको यहाँ के न्याय मिल जाएगा। जैसे आप देखें सामने एप्लीकेशन लगी है, वैसे आपको एप्लीकेशन लानी पड़ेगी, लेकिन फर्जी वाला नहीं, सही वाला, रियल वाला। तो देखो यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी मनोकामना मारते हैं, मांगते हैं, उनकी पूरी होती है, तो उसके अगेंस्ट में घंटी चलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए घंटियाँ लगी हुई हैं, जिसकी मनोकामना पूरी होती है वैसी वो अपनी घंटी आता है। निहारिका की मनोकामना पूरी हुई तो हम लोगों ने भी घंटी चाहिए, ये हमारी घंटी बजी हमने, मैंने भी ये बाँधी है, देखिए नई घंटी है ना बिल्कुल, तो ये मैंने भी बाँधी है। तो प्रसाद में चाय मिलती है उसके बाद, तो ये कुछ को लगी है भूख, तो निहारिका अपने रूम पे के जाके उसको पिला रही है चाय। तो सामने काल भैरव मंदिर है और माता जी का मंदिर है, अभी हम वहाँ जाएंगे तो जब निहारिका बाहर आ जाएगी तब हम लोग उधर जाएंगे। तो सेकंड डेस्टिनेशन हमारी थी वो थी कैची धाम, तो यहाँ पार्किंग है, उस साइड भी 120 रुपये कार का पार्किंग लेते हैं। अभी भीड़ नहीं है तो हमने तो रोड के किनारे गाड़ी खड़ी की है, लेकिन ये है कैची धाम बाबा नीमकंठ का आश्रम, जहाँ बहुत भीड़ है। देखो आप सुबह सुबह 9 बजे इतनी भीड़ है, दिन के टाइम में रोड पूरी जाम में लग जाती है। ये रोड मतलब कई बार टूट चुकी है, अभी सही होने का नाम नहीं ले रही है। नीचे आप ब्रिज देख रहे हैं ना, नीचे तो उस ब्रिज के नीचे है फॉग वाला स्टोन है, तो वहाँ पर भी लोग आते हैं, सामने ब्रिज में फोटो वोटो खिंचाते हैं, नीचे नदी में नहाते भी हैं। तो यहाँ पर भी मतलब एक पिकनिक स्पॉट है, और इससे थोड़ा आगे आप जाओगे करीब 20-25 किलोमीटर आगे अल्मोड़ा वाले रास्ते पर, अभी हम गर्म पानी में पहुँचे हुए हैं, तो आपको मिलेगा एक वाटरफॉल, बहुत अच्छा है, ढिकाने वाटरफॉल नाम है उसका, ढिकाने वाटरफॉल है, बहुत बहुत प्यारा वाटरफॉल है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ से ये जो हाईवे है NH, पहले 87 था, अभी नहीं जाने कौन सा NH है, क्योंकि बीच में NH के नाम चेंज हुए हैं, तो ये NH यहाँ से 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। हम लोग वापस NH 87 में ही चलेंगे आपके रानीखेता रास्ते पर, और एक रोड चले जाएगी यहाँ से अल्मोड़ा को, अगर आपको जागेश्वर चिदई मंदिर वगैरह जाना है या पिथौरागढ़ वगैरह जाना है तो आप वाले रोड फॉलो कर सकते हैं। हम चले थे हल्द्वानी से, इतनी सारी मतलब डेस्टिनेशन घूमने के बाद और पूरे रास्ते मज़े लेने के बाद हम लोग पहुंच गए द्वार, वो भी मालूम कितने बजे, 1:45 1:12:45 हुआ, यानी कि हम लोग मतलब बहुत जल्दी पहुंच गए, और वो भी तो सेम आप कर सकते हैं। तो अगर आप खाली रानीखेत तक आए तो सारे डेस्टिनेशन कवर करते हुए शाम तक आप रानीखेत पहुँच सकते हैं, मेरा मतलब मोटिव ये था। तो अभी जाते हैं गाँव को, अभी सामान बहुत है, पापा को बुलाया रोड पे, वहाँ गाड़ी पार्क करेंगे फिर आएंगे। मान था दिवस आया था और मानसू आया था, तो लेके चले गए। देखो कुछ अपनी दादी की गोद में बैठ के आगे बैठ गया है, पापा इंतजार करें जैसे ही अंदर पहुँचे तो संग अंग बजाई जाए, फिर अभी देखो उसका स्वागत में गांव की औरतें आएंगी और गाएंगी गाना 2 बजे आके, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये था पूरा रास्ता कहाँ का, पूरा हल्द्वानी से लेके द्वारहाट तक का सफर। ये अपना घर है, देखो जैसे कुछ आया, कुछ पहली बार आया तो शंख और घंटी जाके इसकी पूजा हो रही है। देखो ये चला गया, देखो ऊपर दादी के साथ बैठ के निहारिका कह रहा है पानी पी रही है, मिले भी देना। कुछ को मिल गए यहाँ पे 3 दोस्त, ये देखो कुछ फर्स्ट क्लास से यहाँ धंधा है, तो मस्त करके बैठा हुआ है, उसको मिल गए यहाँ पे 3 दोस्त, देख रहे हो ये 3 दोस्त के बैठे हुए हैं, और ये इनको एक साथ कर रहा है खेल। और अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा रूम है, ठीक है, बाहर हमारा घर है, तो ये देखे गाने सुन रहे हैं आप,
यहाँ से ये अगर देखो ना यूं तो ऐसे देखो, कुछ के आने की खुशी में गांव वाले अंदर गाना गा रहे हैं, मतलब कुछ के आने की खुशी में, मतलब हमारा बच्चा हुआ जिसका बच्चा भी गांव में आता है, मतलब पहली बार, या मतलब ऐसे पैदा होके भी अगर किसी का बच्चा भी पैदा हुआ तो उसके साथ 11 दिन तक लगातार गाने गा रहे थे, लेकिन ये 6 महीने बाद आया हुआ है, तो इसलिए सब आस पड़ोस में जितने गाँव की लेडीज हैं तो वो मंगल गीत गा रही है, मतलब हमारे बेटे के घर आने की खुशी में। तो ये था ब्लॉग हमारा, सफ़र आपका रानीखेत से लेके, नहीं हल्द्वानी से लेके रानीखेत द्वारा तक का, उसके गांव तक का पूरा ब्लॉग है। अब ऐसे ही बहुत सारे ब्लॉग आते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ। अगर आपको अच्छा लगा हो ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।